यस क्लास नाइन्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। टुडे आवर टॉपिक इज यूनिट 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको कल करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बेटा, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आपने उतारना है यहाँ पे, ठीक है। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कॉन्स्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। ओके बेटा, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट और 0 यूनिट। ओके बेटा, तो लेट डब्ल्यू मीन्स वर्क डन, बी द वर्क डन एंड एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल। एस को हमने डिस्टेंस ट्रेवल मान लिया, डब्ल्यू को हमने क्या मान लिया, वर्क डन मान लिया। तो वर्क डन क्या है आपका, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल। तो डब्ल्यू इज साइन अल्फा एस, देन डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस। एफ क्या है, फोर्स, फोर्स कॉन्स्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1। ये लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफ कितना दे रखा है आपको, 5 यूनिट दे रखा है, तो 5s कर लिया हमने, ठीक है। तो ए बी सी हमने 3 यूनिट लेट किए, ए बी सी 3 पॉइंट्स लेट किए, इसको हमने क्या दिखाया, डिस्टेंस हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्क डन हो गया। ओके, अगर हम यहाँ पे डालते हैं 0, s में हम डालते हैं 0, तो ये कितना आ जाएगा, 5 0 जा 0। देन बी पार्ट, बी कोऑर्डिनेट, अगर हम यहाँ पे s में डालते हैं 2, तो 5 2 जा 10, ठीक है बेटा। अगर हम यहाँ पे -1 डालते हैं तो प्लस माइनस माइनस, 5 1 जा 5। एक को हमने x मान लिया, एक को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ये आपके एक्सिस ले लिए कोऑर्डिनेट्स, दिस इज़ योर y प्लस, दिस इज़ योर y माइनस, दिस इज़ योर x प्लस एंड दिस इज़ योर x माइनस। ओके बेटा, फिर इसको हमने प्लॉट किया, पहला आपका क्या है, 0 0 पे है, तो ये आपका 0 0 पे यहाँ से पास होके जा रहा है, ठीक है। फिर b पार्ट में क्या है आपका, 2 और 10, तो x का 2 ये हो गया और y का 10 ये हो गया, तो यहाँ पे आपका बन रहा है ये पॉइंट, बी पॉइंट, तो इसमें हमने बी पॉइंट लिख दिया, ठीक है। सी कोऑर्डिनेट के लिए हम देखेंगे -1 और -5, तो x का -1 कहाँ है आपका, यहाँ, ठीक है, और y का -5 दिस वन, x का -1 यहाँ से नीचे लाएंगे और y का -5 ये आएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो अब इन तीनों लाइंस को, तीनों पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन किया, ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो इसमें आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, w इक्वल्स टू 5s। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है बेटा, यामिनी एंड फतिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। ओके बेटा, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम, आपने ग्राफ भी बनाना है। तो लेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, यामिनी का हमने माना कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया उसने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, ₹X, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फतिमा ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा आपका, x प्लस y इक्वल्स टू 100, क्या इक्वेशन बन रही है आपकी, दोनों का टोटल कितना है, ₹100 है। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, मीन्स ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट एंड सी कोऑर्डिनेट हमने लिए। ए में हमने x मान लिया 0, अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 100। अगर x में हम 100 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर शिफ्ट करेगी तो 0। अगर हमने x में 50 रखा तो 50 को उधर ले गए, तो 100 माइनस 50, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 50 आ गई। फिर उसके हमने बेटा एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन बनाया, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं, ये x माइनस का हो गया, ये x प्लस का हो गया। वर्टिकल लाइन को आप क्या लेते हैं, y एक्सिस, ये y प्लस का हो गया, ये y माइनस का हो गया। हमने स्केल से बेटा स्मॉल डिविजन्स लिए 20 यूनिट, 20 40 60 80 100, वैसे इधर -10, यहाँ पर हमने कितना लिया, 20 40 60 80 100, यहाँ पे -10। ओके बेटा, देन -20 कर दीजिए, -20 -20। ओके बेटा, अब इनको प्लॉटिंग किया हमने, x में क्या है 0, ये 0 हो गया, y का कितना है 100, यहाँ पे 100, इसको हमने सर्कल किया a पॉइंट। ओके बेटा, फिर b में क्या है, x का 100 ये हो रहा है, y का 0 0, यानी x एक्सिस के ऊपर ही आएगा आपका, ये ठीक हो गया। फिर c पॉइंट के लिए क्या है आपके पास, 50 50, x का 50 इन दोनों के बीच में, यानी यहाँ से हमने परपेंडिकुलर लिया ऊपर तक, और यहाँ से भी 40 और 60 के बीच का परपेंडिकुलर यहाँ से लिया, ये आया आपका पॉइंट। इस पॉइंट में हमने नाम दिया सी पॉइंट, इसको हमने तीनों को मैच किया, ज्वाइन किया, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। इसमें आप इक्वेशन लिख सकते हो,
एक्स प्लस वाई इक्वस टू 100। ओके बेटा, ये यामिनी और फतिमा वाला क्वेश्चन का ग्राफ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 8। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। ओके, हेयर इज अ लीनियर इक्वेशन टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। आपको एक फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलने की, ये टेम्परेचर दे रखा है, एफ इक्वस टू 9/5 इन साइड द ब्रैकेट सी प्लस 32। ओके बेटा, ए पार्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउ यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। सेल्सियस को आपने क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है, और फ़ारेनहाइट को क्या लेना है आपने, वाई एक्सिस लेना है। ठीक है बेटा, नाउ इफ कंसिडर, सेल्सियस को हमने एक्स एक्सिस में लिया और वाई फ़ारेनहाइट को वाई में लिया, फिर सी और एफ लिखा, यहाँ पे एक्स और वाई भी लिख सकते हो आप। देन एक्स में अगर हमने जीरो रखा, सी में अगर हमने जीरो रखा, वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर टू जीरो द रिजल्ट विल बी जीरो। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 32। अगर हमने यहाँ पे 5 रखा, सी की जगह 5 से 5 कैंसिल हुआ, 9 बचा, 9 प्लस 32 इज़ 41। अगर हमने यहाँ पे -5 रखा, 5 से 5 कटा, माइनस बचा, -1 इंटू 9 -9, 32 में -9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 23। फिर वैसे ही हमने सी को अब 30 रखा, ठीक है बेटा, सी में हमने क्या रखा, 30, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। इसी इक्वेशन में वापस हमने एफ की जगह में क्या रखा, सॉरी सी की जगह में क्या रखा, 35, 6 जा 39, 6 जा 54 प्लस 32, 86 डिग्री। क्वेश्चन बोला है आपका इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो हमने सिंपली क्या किया, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके हमारा फ़ारेनहाइट में आ गया। वैसे ही सी पार्ट में बोला है इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा। फिर इस वैल्यू को फिर हमने इसी में रख दी, जहाँ पे एफ था आपका, एफ ये था, यहाँ पे हमने कितना रखा, 95 रखा, फिर 32 को उधर लेके माइनस किया, 63 आया, 63 ये नीचे में डिनोमेटर में था, इसको मल्टीप्लाई किया, 63 इंटू 5, यहाँ पे 9 था, इससे इसको सिंप्लीफाई किया, 97 जा 63, 75 जा 35 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस आ गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या है आपका, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री वट इज़ द टेम्परेचर ऑफ इन फ़ारेनहाइट, इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन वट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। तो एक बार सेल्सियस में हमने जीरो रखा तो फ़ारेनहाइट कितना आ गया हमारा, 32 डिग्री, जीरो से मल्टीप्लाई किया पूरा ही जीरो हो गया, तो 32 फ़ारेनहाइट आ गया आपका। अब फ़ारेनहाइट में हमने क्या रखा, जीरो रखा, तो इसको उधर लेके माइनस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना है, -160/9, इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना है, -17.8 डिग्री सेल्सियस। लास्ट पार्ट में बोला है अगर दोनों के दोनों वैल्यूज़, दोनों टेम्परेचर आपके क्या हैं, सेम है, सी और एफ दोनों के दोनों सेम है, तो हमने दोनों को जगह में सी रख दिया, एफ यहाँ पे था तो हमने यहाँ पे एफ था तो यहाँ पे हमने सी कर दिया, फिर 32 ये दोनों लाइक टर्म, इसको उठा के उधर लेके साइन चेंज हुआ, एलसीएम लिया, 5c - 9c कितना आ गया, -4c, 4c इसको काटा तो 40 टाइम, और माइनस साइन था उधर शिफ्ट हो गया तो -40 डिग्री सेल्सियस। ओके बेटा, अब फिर ग्राफ में आते हैं बेटा, जो ग्राफ हमने ए पार्ट में बनाया था, ये सेल्सियस को लिया हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को हमने क्या लिया, फ़ारेनहाइट स्केल लिया, तो पहला क्या था, जीरो, तो एक्स का ये जीरो हो गया, वाई का 32 मतलब जस्ट 30 से ऊपर, फिर एक्स का 5 यानी जीरो और 10 के बीच में हाफ, यहाँ पे 5 होगा आपका, और वाई का 41, तो 41 तक गया, तो ये बी पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, देन एक्स का माइनस फाइव और वाई का 23, तो एक्स का माइनस फाइव यहाँ करीबन आ रहा है, इसको ऊपर ले गए ये, और 23 यहाँ पे करीबन आ रहा है, तो इसको मैच किया, ज्वाइन किया इस लाइन को, तो इसका टेम्परेचर, ये आपकी लाइन क्या बन गई, स्ट्रेट लाइन बन गई बेटा। ये आपके हमेशा जब भी ग्राफ में बनेंगे ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही फॉर्म करेंगे। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो समझ लीजिए या तो आपने कोऑर्डिनेट ये गलत निकाल रखे पॉइंट्स, या फिर प्लॉटिंग आपने गलत की है। ओके बेटा, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इक्वल्स टू 3 एज इन सॉल्यूशन। तो y इक्वल्स टू 3 दिखाना है आपने वन वेरिएबल में, तो हमने इंटीजर लाइन फॉर्म कर ली, -4, -3, -2, -1, 0, up to so on, यहाँ पे आपके पॉजिटिव नंबर हो गए, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर, ये होल नंबर हो गया, 3 को शो करना है तो 3 हमने ये शो कर दिया, तो y इक्वल्स टू 3। इसी को दो वेरिएबल में दिखाना है आपने y इक्वल्स टू 3, तो y के आगे कोफिशियंट क्या है, कुछ भी नहीं, यानी 1 इंटू वाई, x है नहीं तो 0 इंटू x लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को x से इंटू करेंगे तो वापस 0 ही आ जाएगा, तो इसको हमने आगे रख लिया, 0 इंटू x प्लस 1y इक्वल्स टू 3, लाइन बनाए, कोऑर्डिनेट्स बनाए, फिर 0 x का कितना था, 0, तो x का 0 ये हो गया, y का 3, यानी यहाँ पे ये वाली पॉइंट आपकी क्या आ रही है, 0.3। ओके बेटा, थैंक यू।